हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन में। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन थायरॉक्स 25 टैबलेट के बारे में। जी हाँ, थायरॉक्स का जो 25 टैबलेट है, खासकर थायराइड से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, यानी कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जो ग्लैंड होती है थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन रिलीज करती है वो कम मात्रा में रिलीज होता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होता है, टायर्डनेस फील होता है, मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, तो ढेर सारी समस्याएं देखने को मिल जाएगी। तो उसी थायरॉक्सिन हार्मोन को बैलेंस कर लिए लिए ये थायरॉक्स 25 टैबलेट पिल के फॉर्म में दिया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इस थायरॉक्स 25 टैबलेट के अंदर मेन कंटेंट कंपोजिशन क्या चीज मिली हुई होगी, इसका उपयोग कहां कहां देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका सही डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, मतलब इस टैबलेट की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, थायरॉक्स 25 टैबलेट के अंदर अगर हम कंपोजिशन अथवा कंटेंट की बात कर लें तो इसमें थायरॉक्सिन 25 माइक्रोग्राम मिला होगा। जो कंपनी से बनाती है वो है बहुत अच्छी कंपनी, मैकलॉड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक बॉटल में 100 टैबलेट आती है जिसकी कीमत लगभग 140 रुपये के आसपास आ जाती है। बात करेंगे उपयोग के, थायरॉक्स का जो 25 टैबलेट है वो मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन में, थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करती है जिससे आपके बॉडी में सारी चीज़ें ग्रोथ वगैरह मेटाबॉलिज्म वगैरह बैलेंस होता है, तो उसी हार्मोन का जब रिलीज कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसी के ट्रीटमेंट में ये थायरॉक्स 25 यानी थायरॉक्सिन टैबलेट दी जाती है। मेनली वही बताया गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सफिशियंट अमाउंट में एक थायराइड हार्मोन जिसे हम थायरॉक्सिन बोलते हैं उसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, जिससे अलग अलग ढेर सारी समस्याएं हो रही हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्याएं हो रही है, चिंता हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, पाचन क्रिया सही नहीं है, ढेर सारी चीज़ें उससे होती है, तो उसी हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन को दूर करने के लिए ये टैबलेट दी जाएगी। फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है, काम करने का तरीका क्या है। देखो, जो थायरॉक्सिन क्या है, एक तरह से सिंथेटिक हार्मोन होता है, सिंथेटिक वर्जन होता है इस हार्मोन का जो थायराइड ग्लैंड से बनती है, उसी का सिंथेटिक रूप में आप टैबलेट ले ले रहे हो सिंपली। अब ये काम कैसे करता है, ये आपके जो थायराइड हार्मोन जो कि थायराइड हार्मोन से कम प्रोड्यूस हो रहा है थायरॉक्सिन, उसी को रिप्लेस कर देगा। अब रिप्लेस कर देगा, जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली समस्याएं थी, जो सिम्टम है वो भी दूर हो जाएगा, जैसे थकान लग जाना, वेट गेन होना, डिप्रेशन होना, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, थायरॉक्सिन जो हार्मोन कम था थायराइड ग्लैंड से वो पहले हो रही थी, लेकिन टैबलेट लेने लगे आप तो ये सारी समस्या दूर हो गई। फिर बात करेंगे डोज, सही डोज क्या होगा। सही डोज देखो आपके डॉक्टर के हिसाब से रहना चाहिए, वो जैसे आपकी कंडीशन के हिसाब से बताएं तो ज़्यादा सही है। 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हो, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ ले सकते हो, च्यू क्रश या ब्रेक नहीं करके लेना है, होली आपको सॉलो करना है। फिर बात करेंगे सावधानियां क्या रखनी है, तो जितना भी डोज बताया जाए खुद से ज़्यादा न लें, बच्चों की पहुँच से दूर रखें, इस्तेमाल करने से पहले लेबल का डायरेक्शन अच्छे से जरूर पढ़ें, डॉक्टर के सलाह के बाद लें, सिंपल बात। फिर बात करेंगे साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट वैसे ज़्यादा तो होता नहीं है, रेयरली किसी को सूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया आपने तो थोड़ा सा वेट लॉस देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा हेडेक देखने को मिल सकता है, डायरिया और वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है जो कि रेयर है, जल्दी नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका थायरॉक्स 25 टैबलेट, एक ऐसा टैबलेट जो कि थायराइड ग्लैंड से जुड़ी जो समस्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम होता है यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में दिया जाता है, डॉक्टर के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, इसका असर भी देखने को मिलता है। इस टैबलेट की जानकारी आपको कैसी लगी, अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगला टैबलेट किसके बारे में बताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आपको ढेर सारी दवाइयों की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल को विजिट कीजिएगा, सभी प्रकार की दवा की जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले नए मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।